इस सब्जी को देखकर आप समझ पा रहे होंगे, ये है पालक का निमोना। पर इसमें मैंने क्या क्या डाला है ये अभी आप नहीं देख पा रहे होंगे। इसे देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेसिपी पुरानी, अंदाज नया। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पालक का निमोना। गैस ऑन करके सबसे पहले हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे लगभग एक गिलास पानी और पानी को कवर करके हम इसे बॉयल आने तक वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है और अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें एक बंच पालक जिसका वज़न लगभग 300 ग्राम है और इसे मैंने उसी तरीके से धोया है जिस तरह से अपने ब्लॉग में मैंने बताया है, लिंक आई बटन पर दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और किसी भी साग को उसी तरह से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी बॉयल हो चुका है, डाल दिया है पालक को। इसे हमें उबालना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ब्लांच करना है। तो हम पालक को ऐसे दबाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए पानी में चलाते रहेंगे ताकि इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए और कलर इसका बरकरार रहे। और जब पालक अच्छे से बैठ जाए तो गैस को बंद करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में पड़े रहने देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और पालक का कलर आप देख सकते हैं। अब इसे हम ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे। और बचे हुए पानी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसका क्या करना है इसे देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। इसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सारे पोषक तत्व इसी पानी में हैं। और अब हम पालक में डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस जिससे पालक का हरापन और ज़्यादा निकल कर आता है। कर देंगे इसे कवर और इसे हमें दरदरा पीसना है, प्यूरी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। कुछ इस तरह से पीसना है कि पालक के कुछ कुछ टुकड़े भी उसमें मौजूद रहें। और लिया है बड़े एक साइज़ का टमाटर। चटनी जार में इसे मैं रफली चॉप करके डाल रही हूँ। 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा काट के डाल दें। कुछ मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वादानुसार नमक और 1 छोटा चम्मच किचन की मसाला। इसे डालने से निमोने का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और 2 हरी मिर्चों को तोड़कर डाल देंगे और 7 से 8 कलियां लहसुन की जिसे मैं पहले से ही छील कर रख लेती हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है तो झटपट डालकर इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मुझे सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। डालेंगे थोड़ा सा पानी और कवर करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। दोबारा फिर से उसे कढ़ाई को चढ़ा देंगे और डालेंगे उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और यहाँ पर ली है 7 से 8 उड़द की बड़ियाँ। अगर आप बड़ी खाना पसंद करते हैं तो इस सब्जी में इसे ज़रूर डालें और अगर नहीं पसंद करते हैं तो इसे स्किप कर दें। आलू के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। बड़ियों को हम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब यहाँ पर 10-12 छोटे साइज़ के आलूओं को 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, आप देख पा रहे होंगे। और इसे भी अब हम निकाल लेंगे। ये आलू उबले हुए हैं
बचे हुए तेल में डालेंगे एक छोटा चम्मच सरसों के दाने, एक छोटा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग, एक बड़ा चम्मच देगी मिर्च का पाउडर और पिसे हुए पेस्ट को थोड़ा सा पानी डालकर बचे हुए पेस्ट को ग्राइंडर जार से निकाल लेंगे और इसे भी डाल देंगे इसी मसाले में और सारे मसालों को धीमी धीमी आंच पर हम भूनेंगे जब तक कि ऑयल रिलीज ना होने लगे। और मसाला भुन जाने के बाद डालेंगे प्याज का मसाला। ये वही प्याज का मसाला है जिसकी मैंने रेसिपी शेयर की है, लिंक आई बटन पर दे दिया है। अगर नहीं बनाया है तो वहाँ पर जाकर देखकर इसे बनाकर रख सकते हैं और झटपट सब्जी तैयार कर सकते हैं। तो प्याज के साथ भी कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को भून लेंगे और डाल देंगे इसमें आलू और बड़ी को। डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद कुछ सेकंड तक भूनेंगे और ऑयल रिलीज होने लगा है। डालेंगे इसमें पिसे हुए पालक को और ये जो पानी बचा हुआ था पालक का थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर जार में डालकर लगे हुए पालक को भी हम पानी के साथ निकाल लेंगे और डाल देंगे इसी कढ़ाई में और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। ग्रेवी को आप पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्रेवी अभी गाढ़ी है तो बचे हुए पालक वाले पानी को भी मैं इसी में डाल रही हूँ। और अब हमें कवर करके इसे तब तक पकाना है जब तक कि बरियाँ गल नहीं जाती। बीच बीच में हम कवर हटाकर बरी को चेक करते रहेंगे और सब्जी को चलाते रहेंगे। तो चलिए अब एक बार बरी को चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, गलनी बाकी है, तो इसे हम फिर से कवर करके कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। अब दोबारा चेक करते हैं। इस बार बरी गल गई है, आप देख सकते हैं दबाने से टूट गई है। और इसी तरह से हम सारी बरियों को उंगली की हेल्प से तोड़ लेंगे जिससे कि इसके अंदर भी सारे मसाले एब्जॉर्ब हो सके। सब्जी थोड़ी गर्म है, कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, सावधानी पूर्वक इन्हें कर लेंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। और बनकर तैयार है बरी आलू पालक का निमोना। चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। डालेंगे ऊपर से चीज़ क्यूब को ग्रेट करके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मर्जी हो डालें मर्जी हो ना डालें, इसके बिना भी निमोना बहुत अच्छा लगने वाला है। पर 1 से 2 चम्मच फ्रेश मलाई ज़रूर डालें क्योंकि पालक में जो करछाहट होती है मलाई डालने से वो ख़त्म हो जाती है। और जब भी आप पालक की कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो 1 से 2 चम्मच मलाई को ज़रूर डालें। पास से इसके लुक को आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का एक बटन दबाएं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना भूल न जाएं। तो बनकर तैयार है स्वादिष्ट आलू पालक और बरी का निमोना। रोटी पराठे के साथ आप इसका आनंद ले सकते हैं, पर चावल के साथ इसे खाने का आनंद ही कुछ और होता है। वीडियो पसंद आई हो तो ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक कॉमेंट के जरिए ज़रूर शेयर करिएगा। मिलती हूँ मंगलवार की दोपहर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।